नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयेश पटेल और आप देख रहे हैं एजुकेम, अ कंप्लीट ऑनलाइन एजुकेशन इन अ सिंपल वे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर का ट्रिक करना, यानी स्क्वायर इजी वे में कैसे करते हैं। कुछ ऐसे एग्जाम में कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जिसका स्क्वायर इजी होता है, लेकिन हम उसको पता नहीं होता कि कैसे सोल्व करें। सो हम आज बात करने वाले हैं स्क्वायर को, स्क्वायर को कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी ट्रिक देखने वाले हैं। ठीक है, चलो तो आज बात करने वाले हैं, देखो सेम डिजिट वाले, यानी 11, 111। ठीक है, यानी हम बात करेंगे 11 के स्क्वायर की। तो क्या करेंगे, देखो 11 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो 1 और 1 दोनों सेम है, तो क्या करें 1, 2, 1, यानी दो डिजिट है तो 1 से 2 तक जाएंगे, फिर लोअर तक आएंगे। चलो 111 का स्क्वायर है तो कितने हैं, 1, 2, 3, हम क्या आ जाएंगे 1, 2, 3 और बाद में 2, 1 वापस ले लेंगे, लोअर तक आ जाएंगे। चलो 1, 1, 1, 1 कितने वन है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 फिर रिवर्स लेंगे 3, 2, 1, तो हमारा स्क्वायर मिल गया हमें। तो आप ऐसे कितने 1, 2, 4, 5, 7 और 8 ऐसे डिजिट वाले की सेम डिजिट में किसी भी कितने भी अंक तक की स्क्वायर कर सकते हैं। देखो हम 2 की बात करते हैं, चलो 2 into 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या करेंगे, देखो इसमें 2 और 2 दोनों सेम है तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन निकाल लेंगे, 2 1 2 1 2 हो गया, 2 स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, 2 स्क्वायर कितना होगा 4। अब क्या करेंगे, 1 1 का स्क्वायर मालूम है हमें, 1 2 1, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 4, 4 2 8, 4 1 4, सो हमारा आंसर हो गया 4 2 4। ठीक है, चलो एक और ले लेते हैं, 2 2 2 और स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर कॉमन निकाल दो, 1 1 1 उसका स्क्वायर ले लो, 2 का स्क्वायर मालूम है 4, इसका स्क्वायर मालूम है 1 2 3 2 1, अब इसको क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 1 कैरी ओवर, 4 2 8 और 9, 4 1 4 हो गया। तो 2 2 2 का स्क्वायर कितना मिला हमें, 4 9 2 8 4। ठीक है दोस्तों, चलो अब बात करेंगे हम 5 की, तो उसमें भी क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, चलो सो 5 5 5 इसको क्या करेंगे हम, 5 स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे, अंदर क्या होगा 1 1 1 उसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मालूम है हमें 25, इसका भी मालूम है 1 2 3 2 1। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 25 1 25 कैरी ओवर 2। ठीक है, 25 2 50 और 2 5 कैरी ओवर, ठीक है 25 75 5 80 0 8 कैरी ओवर, 25 2 50 58 कैरी ओवर 5, 25 1 25 और 5 30, सो इसका स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, 308025। यहाँ पे 4 5 6 जितने भी 5 हो या 5 हो उसको क्या करना है, 5 स्क्वायर निकाल के, 4 हो गए तो 1 1 1 1, 5 हो तो 1 1 1 1 1 उसका स्क्वायर निकाल के आप कॉमन निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो इजीली आप किसी भी सेम डिजिट वाले वैल्यू का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अब और कुछ ले लेते हैं, अब देख लेते हैं 7 का स्क्वायर, इसमें क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर करनी है, 7 को कॉमन निकाल देना है, यानी 7 का स्क्वायर अंदर 1 1 1 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर में मालूम है 49, 1 1 1 का स्क्वायर मालूम है 1 2 3 और 2 1, अब क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, 603729। सो इस तरह से हम 7 का भी स्क्वायर आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब लास्ट ले लेते हैं 8 8, यानी 8 सेम डिजिट वाले का स्क्वायर, 8 को क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल देंगे, अंदर क्या रहेगा 111 का स्क्वायर। चलो 8 का स्क्वायर हमें मालूम है 88 64, 1 2 3
टू वन, तीन है यानी वन टू थ्री तक जाएंगे, बाद में टू वन वापिस नीचे आ जाएंगे। चलो अब 64 और वन टू थ्री टू का मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसका मल्टीप्लाई क्या होगा, सेवन एट एट फाइव फोर फोर, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आप ऐसे किस किस के वन सेम होगा, टू फोर फाइव सेवन एट, ऐसे सेम प्लेस वाले वन टू फोर फाइव सेवन एट का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं इजीली। देखो इसमें मैंने कौन से नहीं लिखे, थ्री नहीं लिखा, सिक्स नहीं लिखा, नाइन नहीं लिखा, क्योंकि इसका ट्रिक थोड़ा अलग है। तो अब बात करेंगे हम थ्री सिक्स और नाइन के ट्रिक कैसे सॉल्व करते हैं। चलो चलिए अब थ्री सिक्स और नाइन उस सेम प्लेस वाले की स्क्वायर कैसे निकालते हैं। चलो अब पहले बात करते हैं थ्री थ्री, थर्टी थ्री का स्क्वायर क्या होता है, वन जीरो एट नाइन, हमें मालूम है। अब क्या करेंगे, देखो इसमें क्या होता है, वन जीरो एट नाइन, यानी वन होता है, ज़ीरो होता है, एट होता है और नाइन होता है। इसमें ये ज़ीरो और नाइन फिक्स होता है, ज़ीरो और नाइन फिक्स। जब दो डिजिट होते हैं तो वन एक होता है और एट एक होता है। अब बात करते हैं थ्री 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 इसका स्क्वायर होगा तो क्या होगा, देखो ये तीन बार तीन है ना, तो इसमें से एक माइनस कर लो, यानी वन वन ज़ीरो एट एट नाइन, यानी दो बार इलेवन दो बार एटी एट, ज़ीरो नाइन सेम रहेगा, फिक्स रहेगा। तो इसका हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, यानी आप लिख सकते हो एन माइनस वन टाइम वन, फिर क्या होगा ज़ीरो, फिर क्या होगा एन माइनस वन टाइम एट और क्या होगा नाइन, यानी एन माइनस ये जो कितनी है एन, एन इज इक्वल टू थ्री। सो क्या करेंगे, थ्री माइनस वन टाइम वन ज़ीरो, थ्री माइनस वन टाइम एट और नाइन लेना है। थ्री माइनस वन यानी टू टाइम वंस, यानी टू टाइम वंस ज़ीरो, थ्री माइनस वन ही टू टाइम्स एट और नाइन। ठीक है, अब देखो क्या कर लेंगे, थ्री 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 और थ्री इसका स्क्वायर निकालना है हमें। क्या करेंगे, देखो कितने टाइम्स है, वन टू थ्री फोर फाइव, यानी फोर टाइम्स वन ज़ीरो, फोर टाइम्स एट और नाइन, सो सिंपल। सो इसका स्क्वायर मिल गया हमें वन 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 फोर टाइम्स, ज़ीरो और एट फोर टाइम्स और नाइन। सो इसका फॉर्मूला हमें याद मिल गया, एन माइनस वन टाइम वन ज़ीरो, एन माइनस वन टाइम एट और नाइन, सभी में सेम है, सिक्स में नाइन में, सभी में फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। ठीक है, देखो क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, कौन सा फॉर्मूला हमें मालूम है, एन माइनस वन टाइम, एन माइनस वन टाइम और एक दो। देखो जब थ्री होगा तो एन माइनस वन टाइम क्या होगा, यहां पे वन जीरो एट और नाइन। जब सिक्स होगा सो एन माइनस वन टाइम क्या होगा, सिक्स होगा तो यहां पे फोर लेना है, बीच में तीन लेना है, एन माइनस वन टाइम फाइव लेना है और लास्ट में सिक्स लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं नाइन की। सो एन माइनस वन टाइम नाइन होगा तो यहाँ पे नाइन लेंगे, यहाँ पे एट लेंगे, एन माइनस वन टाइम जीरो लेंगे और लास्ट में वन लेंगे। ठीक है, देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सिक्स वाले के लेते हैं। ठीक है, चलो सिक्स 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 का हम स्क्वायर निकाल दें, यानी n माइनस वन टाइम फोर, यानी ये तीन है तो टू टाइम्स फोर, फोर इंटू फोर थ्री, एन माइनस वन टाइम फाइव, यानी फाइव फाइव ये तीन है तो टू टाइम्स फाइव और सिक्स। ठीक है, तो सिक्स 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 का स्क्वायर क्या मिला, फोर फोर थ्री फाइव फाइव सिक्स, यानी n माइनस वन टाइम फोर इंटू थ्री, एन माइनस वन टाइम फाइव और सिक्स। अब देखते हैं नाइन, सो नाइन 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 का स्क्वायर कर लेंगे, एन माइनस वन टाइम नाइन, यानी नाइन इंटू नाइन, फिर क्या होगा एट, फिर एन माइनस वन टाइम जीरो, यानी ये तीन है तो टू टाइम्स जीरो और वन, सो इसका स्क्वायर हमें मिल गया। सो आप इजीली थ्री सिक्स नाइन का स्क्वायर निकाल सकते हैं, जिसमें सेम डिजिट वाले हमें एग्जाम्पल दिए होते हैं, सिक्स सिक्स सिक्स, नाइन नाइन नाइन। चलो एक और ले लेते हैं, चलो नाइन 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 इसका ले लेते हैं, चलो बढ़िया है,
थोड़ी बड़ी रकम है, क्या करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव है ना, यानी फोर टाइम फोर, वन टू थ्री, सॉरी फोर टाइम नाइन लेना है, वन टू थ्री फोर, फिर क्या लेंगे एट, फोर टाइम ज़ीरो, वन टू थ्री फोर, और लास्ट में वन, ये दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, जो नाइन होगा जितनी बार उतनी बार ज़ीरो होगा। सो इस तरह से हम 369 सेम डिजिट वाले की स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। आपको ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।